अक्सर हम फ्लाइट में आते जाते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो या घरेलू डोमेस्टिक फ्लाइट का सफर हो। पर क्या आप ये जानते हैं कि कुछ ऐसे सामान हैं जो फ्लाइट में ट्रेवल करते समय एयरलाइन कंपनी द्वारा आपको दिए जाते हैं और आप उसे वापस अपने घर भी ले जा सकते हैं। हालांकि इनमें से कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको ले जाने के लिए आपको पहले परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए जानते हैं फ्लाइट में दिए जाने वाले मुफ्त सामान के बारे में जिन्हें हम बिना पूछे अपने घर ले जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। नंबर 1, ईयर प्लग। फ्लाइट में अक्सर लोगों को यह प्लग दिए जाते हैं ताकि वो आराम से लंबी दूरी की फ्लाइट में सो सके, या कई यात्रियों को फ्लाइट में कान दर्द होने की भी समस्या होती है जिसकी वजह से ये ईयर प्लग उन्हें दिए जाते हैं। इसके इस्तेमाल होने के बाद यह स्वच्छता नियमों के कारण किसी दूसरे को नहीं दिया जाता है, बल्कि इसे ट्रैश कर दिया जाता है। आप इसे चाहे तो अपने साथ बिना इजाजत के घर भी ला सकते हैं। नंबर 2, आपके बचे हुए खाने या ड्रिंक्स। फ्लाइट में लोगों को यातायात के दौरान डिब्बाबंद खाने दिए जाते हैं और उन्हें कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स या अन्य फ्रूटी इत्यादि भी दी जाती है, जिसे आप अगर नहीं खा पाते हैं तो आप अपने साथ उसे ला सकते हैं। इसे भी लाने के लिए आपको किसी प्रकार की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 3, पजामा। लग्जरी एयरलाइंस के द्वारा फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए पजामा सेट इत्यादि दिए जाते हैं। अगर आप फर्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हैं तो आपको अगर पजामा दिया जाता है तो आप उसे पहनकर वापस उतार सकते हैं और अपने साथ लेके आ सकते हैं। यह भी स्वच्छता उपायों की वजह से आपके पहने हुए कपड़े किसी और को दोबारा नहीं दिए जाते हैं। नंबर 5, चप्पल। अक्सर लंबे उड़ानों के दौरान लोगों को आरामदायक चप्पलें दी जाती हैं ताकि वो लोग अपने तंग जूते उतार सकें। जिस भी एयरलाइंस में ये सुविधा आपको दी जाती है वहाँ पर से आप ये चप्पल अपने साथ वापस ले आ सकते हैं, इसे रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 5, आई मास्क। फ्लाइट में यात्राओं के दौरान लोगों को सोने के लिए आई मास्क भी उपलब्ध कराए जाते हैं और आप इसे भी अपने साथ वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इनमें से कुछ फ्लाइट में ट्रेवल करने के दौरान लाए हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।